भैया कितने दिनों से हम सोच रहे थे कि इस व्लॉग को शुरू करें, ना वक्त मिल पा रहा था, ना हालात वैसे बन पा रहे थे, सिचुएशन परिस्थितियां ऐसी आई नहीं रही थी ना, तो कहीं ना कहीं से कभी ना कभी शुरू तो करना ही था। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ब्लॉगिंग हमारे लाइफ का हिस्सा है और हमने सोचा क्यों ना यार, जैसा भी है जो भी है, एक बार कोई काम को हम शुरू करेंगे ना तो वो खत्म भी होगा, बशर्ते उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो हमारा तो इसमें है ना, और आपका भी है शायद हमारा ब्लॉग देखने के लिए। तो इस प्रवचन को यहीं पे विराम देते हैं और आगे इस ब्लॉग में निकलते हैं, और हो सकता है नहीं नेक्स्ट ब्लॉग में प्रोबेबली आप हमें पाएंगे बनारस में। पेट्रोल के लिए लंबी कतारें यहाँ पे हमेशा ही होती हैं। इन रास्तों से काफी गहरा नाता है हमारा, जूनियर कॉलेज के दिनों से ही अक्सर यहाँ पे आया करते थे, रोज सुबह सुबह पैदल ही चल के लगभग घर से 5 किलोमीटर दूर क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए। और वो गजब का माहौल होता था यार, सुबह 5:30 बजे घर से उठना, 6 बजे तक निकल जाना और यहाँ ना प्रैक्टिस करके वापस घर पे जाना और फिर रेडियो के कॉलेज की तरफ निकलना, वो एक समा गजब का ही था। सामने अभी आपको मैं दिखाता हूँ ग्राउंड, ये रहा हमारा क्रिकेट ग्राउंड जहाँ पे प्रैक्टिस होती थी। फिलहाल रेनी सीजन चल रहा है, इसके लिए ग्राउंड खराब हो रखा है। रेनी सीजन खत्म होते ही ये सब कुछ बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएगा। वहाँ पे एक स्केटिंग भी है, स्केटिंग मैंने कभी किया नहीं, पर देखते थे हम लोग, एक दो दिन ट्राई भी किया है, बट एक्चुअली कुछ खासा इंटरेस्ट उसमें था नहीं। और ये पूरा का पूरा एरिया एक्सरसाइजेस के लिए काफ़ी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। सुबह सुबह आप आएंगे, काफ़ी सारे लोग एक्सरसाइज करते हुए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पे स्केटिंग भी कर रहे हैं कुछ बच्चे। बाय द वे सुबह सुबह का वक्त है, मैं निकला हूँ एक इवेंट के सिलसिले में यहाँ पे, इवेंट कह लूँ, कॉन्फ्रेंस कह लूँ, कुछ भी कह सकते हैं। एंड आई होप सब कुछ बेहतर जाए, और ब्लॉग तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं कर नहीं पाऊँगा। और फिर उसके बाद ये रास्ते खराब से आ गए। दरअसल आज का इवेंट एक हॉस्पिटल के अंदर है, और यहाँ की वाइब्स देखो, किसी भी एंगल से लग रहा है आपको मेरे पीछे का एरिया हॉस्पिटल का, काफ़ी पॉश और अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इसको। अगर मैं आपको सच कहूँ तो अपने बनारस ट्रिप के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जो कि अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। अभी मैं पोहा पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। कंसंट्रेट करिए करिए, और कहीं पे आपका कंसंट्रेशन है? बैकग्राउंड में बहुत कुछ है आपके। नहीं, मेरा सारा कंसंट्रेशन खाने पे है अभी। Here we all are gathered for knowledge, for learning. And the word learning comes in my mind. It says, learning that makes us feel confident. And then exploring that makes us feel wise. So after learning, exploration is must. We have Dr. Dhinanjan Basu, senior radiation oncologist, and we will start with Dr. Dhinanjan Basu sir. I would request him to please come on the stage and give a short, brief introduction about himself also, ताकि हम उनसे अच्छे से connect कर पाए. Thank you very much, sir. शायद इतने अच्छे ना हो ये चीज़ें बोलने में जितना वो ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज में बोल पाता है। आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, आई एम बेसिकली फ्रॉम कैलकटा, बट सिंस 2010 आई एम इन मुंबई। तो भैया हुआ यहाँ पे बहुत कुछ, स्टेज पे थोड़े वक्त के लिए हम थे, लेकिन कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो उसको अपने वीडियो में डालना बेहतर नहीं होगा। तो इतना सा ही पार्ट यहाँ का रखते हैं और अब ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं कुछ दूसरी कहानियाँ ढूंढते हुए। तो ये रहा हमारा आज का खाना, रोटी सब्जी दाल, और ये कुछ तो है मीठा, सैलेड पूड़ी चावल लेना बाकी है। ये बासुंदी का टेस्ट क्या कमाल का है। इस वक्त नाला सुपारा की सड़कों पे हैं हम, और यहाँ की कुछ बिल्डिंगें मेरे सामने हैं, एक ओवर ब्रिज से नीचे की ओर उतर रहे हैं। किसी भी वक्त पे आ जाओ, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, यहाँ ट्रैफिक अच्छी खासी मिल ही जाती है। यहाँ पे लेते हैं हेयर कट और आईब्रोज को भी थोड़ा शेप में डाल देते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। हमने हेयर कट और आईब्रोज करवा लिया। आईब्रोज करवाना पेनफुल जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे अब आदत बढ़ चुकी है करवाने की, तो अब उतना ज़्यादा पेन नहीं होता, हल्का फुल्का मुझे होता है, दैट्स फाइन। और हाँ, किसके हाथ से आईब्रो हो रहा है उस पर भी निर्भर करता है। सुबह से निकला हूँ, शाम हो चली है, अभी भी कुछ काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें निपटा के लगभग अंधेरा होते होते ही मैं घर पर पहुँचूंगा, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है।
और फिलहाल हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है, उन्हें कर लेते हैं। और कैमरे की बैटरी ऑलमोस्ट डाई होने वाली है, कभी भी ये ऑफ हो सकता है। तो मुझे लगता है आज का सफ़र हमारा वीडियोस के द्वारा आपके साथ यहीं तक का रहा। आज शाम का मेरा एक गजब का प्लान है, आई होप वो एग्जीक्यूट हो पाए, लेकिन टाइम का ही लोचा उल्फत लगता है, इसके वजह से शायद हो सकता है कि समय कम पड़ जाए और मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट एक्चुअली में ना कर पाऊँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि वो हो जाए। ब्लॉग ये बहुत बढ़िया ढंग में और बहुत ही अच्छे प्रारूप में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लगा ही था अंधेरा हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, हालांकि अंधेरा तो नहीं हुआ, शाम ढल चुकी है और काफ़ी ही खूबसूरत मौसम हो रखा है। आज का दिन काफ़ी सक्सेसफुल गया, मैं कह सकता हूँ अच्छा गया, और उसके बाद ऐसी खूबसूरत शाम। अगली सुबह ये हाथ में ब्रश है, धूप खिली हुई है पर अच्छी हवाएं भी चल रही हैं साथ ही साथ, वो अलग बात है। दिन चढ़ते चढ़ते उमस बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, बट फिलहाल के लिए तुरंत रेडी होके ब्रश करने के बाद ही ऑफिस की तरफ निकलना है। ये आ गए स्टेशन पे, ये ट्रेन लेके निकलेंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर। ऑलरेडी मैं देर हो चुका हूँ, लेट हो चुका हूँ। रोज लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर पाना यहाँ के मुंबई का इसके लिए बिल्कुल भी आसान होता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं क्योंकि इस काइंड ऑफ जिम्मेदारी और साथ ही साथ इसकी आदत भी बन चुकी है। पर ऐसे में ऑफिस में भी जाके अगर शांति ना मिले और घर पे भी आके शांति ना मिले, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी बदतर हो ही जाती है। तो ऐसे में अपनी हैप्पीनेस ढूंढना, अपनी खुशी ढूंढना, अपने तरीके से अपने आप को समय देना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। बारिश का मौसम है, हाथ में छाता है, यहाँ एक खूबसूरत सा गार्डन है, चिड़ियाओं की चहल पहल है और काफ़ी ही खूबसूरत यहाँ की वाइब्स। मुझे ऐसे सारी प्लेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं जहाँ पे एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटीज़ आप कर सको, नेचर रिलेटेड चीज़ें हो, प्रकृति हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इन सबसे मुझे डर नहीं लगता है। हालांकि वीडियो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन ट्विस्ट आ गया बीच में और हमने सोचा क्यों ना इसको कंटिन्यू करते हैं और जो एंड वाला पार्ट है उसे अंत में ही डाल लेंगे। फिलहाल हम कांदी वाली निकल रहे हैं, पाजी भी हमारे साथ होंगे, याद है कि नहीं, ये नांदेड़ वाले सीरीज में थे हमारे साथ पूरे। आज घर जाते जाते काफी देर होने वाली है ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर हाँ यहाँ पे थोड़ी एक्टिविटीज करने के लिए, थोड़े मजे करने के लिए वो कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। हालांकि मॉल्स वगैरह में आना और ऐसी जगहों पे जहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ आ रही हो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन कभी कभी के लिए कह सकते हैं ठीक है, वंस इन अ व्हाइल मुझे शांत प्लेसेस पहाड़ों में चले जाना। देखते देखते ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग की साइज काफी लंबी होती जा रही है। तो ये है हमारी प्लेस जहाँ पे होने वाला है एक इवेंट, बेसिकली गरबा के लिए है, और दूसरा दिन है। भाई जो इससे पहले आपने मुझे व्हाइट शर्ट में देखा तो वो फर्स्ट डे था नवरात्रि का, और ये दूसरा दिन है नवरात्रि का रेड शर्ट में। बेसिकली मैं इन सारी चीज़ों को फॉलो तो उतना नहीं करता हूँ, बट ठीक है, कभी कभार के लिए ऐसी चीज़ें करना पड़ता है। इट फील्स गुड ना यार, एक आप रेगुलर लाइफ में बिजी हो और ऐसे में कुछ अलग करते हो तो एक अलग ही वाइब आती है उसके लिए, और मुझे लगता है कि काफ़ी पहले ही पहुंच गया हूं मैं। आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, देखना ये देखिए अंडर सीसीटीवी, और ये है वॉशरूम। तो भैया वॉशरूम के अंदर सीसीटीवी के अंतर्गत ये आता है, लिख के बोर्ड लगाने का क्या मतलब है।
रखा है, लोग खुश हैं। और जब हम इतने सारे लोगों को एक साथ खुश होते हुए देखते हैं, किसी त्यौहार में एक साथ पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, तो एक बहुत ही बेहतर मौका होता है, क्योंकि आज के दौर में खुश होना बहुत बड़ी बात है और एक साथ इकट्ठे होकर खुश होना उससे भी बड़ी बात है। मुझे गरबा तो उतना अच्छे से आता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत करने की कोशिश किया, जो हुआ सो हुआ, मन खुश हुआ। ये सिर्फ ट्रॉफीज की शॉप है, बहुत सारी हैं ये खूबसूरत खूबसूरत ट्रॉफी। ये सारी प्लेसेस को देख के ही लगता है कि कितना जंक है यहाँ पे, पर अब रात काफ़ी हो गई है, दूसरा कोई विकल्प है नहीं तो यहीं जाते हैं। देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं लग रहा है, पर जो भी है यही यहाँ पे हमारा खाना है, और साथ में ये एक पिज्ज़ा भी है हमारे। और बेसिकली यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लेट्स ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके कौन उठाएगा, कौन साफ करेगा मॉल के अंदर, ये भी एक चीज़ है। मसाला डोसा इसी के ऊपर से आ गया। आज जंक फूड कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। जिम में इसको निकालने में कम से कम हफ्ते चले जाएंगे। और ये है समंदर। हवाएं बेहद ही खूबसूरत चल रही हैं। कभी कभी मुंबई बहुत खूबसूरत लगने लग जाती है। भाई जब अभी एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और यहाँ से 3-4 स्टेशन आगे की तरफ जाना है। अगर मुझे जिम जाना है तो मुझे रोज़ सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, और हर सुबह 5:30 बजे उठ के जिम जा पाना और फिर उसके बाद ऑफिस की तरफ निकल पाना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको अच्छी नींद की भी आवश्यकता होती है। मिनिमम 6 घंटे 6.5 घंटे तो आपको सोना ही है ना। आजकल मैं अकेला ही रह रहा हूँ। अकेला रहना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने आप को समय ना दे पाना ना, ये ज़्यादा मुश्किल है। आप भीड़ में भी रहते हो, लोगों के साथ रहते हो, या फिर अपने परिवार के साथ रहते हो, और ऐसे में ना आप उनको वक्त दे पाते हो, ना खुद को वक्त दे पाते हो। ये बरामदे में या फिर कहले कॉरिडोर में कई सारी कॉन्सेप्ट बनी है मेरे ब्लॉग्स की, पोएम्स, कहानियाँ, बहुत कुछ लिखा हुआ है मैंने, और यहाँ पे काफी वक्त बिताया है। अब समय नहीं मिलता यहाँ पे वक्त बिताने का। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट्सो एवेजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।